कार्य तथा ऊर्जा भाग चार। ऊर्जा संरक्षण का नियम। पिछले वीडियो में हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में जाना। इस वीडियो में हम ऊर्जा संरक्षण के नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि जल चक्र में और प्रकाश संश्लेषण में, या धनुष तीर और एक दौड़ती कार के उदाहरणों में, जिनमें एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा रूपांतरण करने वाले मानव क्रियाकलाप भी शामिल हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऊर्जा रूपांतरण से पहले और बाद की निकाय की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, यहां तक कि एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा रूपांतरण के बाद भी। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझने के लिए एक आसान सा क्रियाकलाप करते हैं। माना कि एक m द्रव्यमान की गेंद h ऊंचाई से मुक्त पतन से होकर गुजरती है। गिरने के प्रारंभ में गेंद की स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर है और गतिज ऊर्जा शून्य के बराबर है। क्या तुम बता सकते हो कि प्रारंभ में गेंद की गतिज ऊर्जा शून्य क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रारंभ में गेंद में कोई वेग नहीं है, अर्थात गेंद की कुल ऊर्जा mgh है। क्योंकि गेंद गिरना शुरू कर देती है, इसलिए गेंद की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर गेंद का वेग v है, तो इसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर होगी। जब गेंद गिरना जारी रखती है, तो लगातार स्थितिज ऊर्जा घटती रहती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग सभी बिंदुओं पर स्थिर होता है। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर कांस्टेंट। mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा मिलकर उस वस्तु की यांत्रिकी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जबकि गेंद के मुक्त रूप से गिरते समय स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गेंद की गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। अर्थात गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में लगातार रूपांतरण होता रहता है। अब देखते हैं कि किसी वस्तु की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है या नहीं। किसी वस्तु की दो अलग अलग ऊंचाइयों पर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल यांत्रिकी ऊर्जा ज्ञात करते हैं। माना एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है और गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। अब वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल यांत्रिकी ऊर्जा को ज्ञात करते हैं, जब ऊंचाई h बराबर 5 मीटर हो। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा Ep बराबर mgh बराबर 10 × 10 × 5 बराबर 500 जूल। वस्तु की गतिज ऊर्जा E के बराबर हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ गुना 10 गुना 0 बराबर 0 जूल।
जैसा कि हमने पढ़ा है, यांत्रिकी ऊर्जा बराबर EP प्लस EK बराबर 500 प्लस 0 बराबर 500 जूल। अब वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल यांत्रिकी ऊर्जा को ज्ञात करते हैं। जब वस्तु जमीन पर पहुंच जाती है और इसलिए ऊंचाई h बराबर 0 मीटर हो जाती है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा EP बराबर mgh बराबर 10 गुना 10 गुना 0 बराबर 0 जूल। वस्तु की गतिज ऊर्जा EK बराबर हाफ mv स्क्वायर। हम जानते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। यहां u बराबर 0 है, इसलिए v स्क्वायर बराबर 2as बराबर 2 गुना 10 गुना 5 बराबर 100 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। EK बराबर हाफ mv स्क्वायर में v का मान रखने पर हमें मिलता है EK बराबर हाफ गुना 10 गुना 100 बराबर 500 जूल। यांत्रिकी ऊर्जा बराबर 0 प्लस 500 बराबर 500 जूल। अब दोनों ऊंचाइयों पर कुल ऊर्जाओं की तुलना करने पर हम देखते हैं कि कुल ऊर्जा समान रहती है। ये दर्शाता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा स्थिर रहता है। क्या तुम दूसरी ऊंचाइयों पर ये योग ज्ञात कर सकते हो और तालिका में भर सकते हो, जिससे हम देख सकते हैं कि कुल यांत्रिकी ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। इस वीडियो में हमने ऊर्जा संरक्षण के नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम शक्ति के बारे में जानेंगे।